जनपद बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से आतिशबाजी बिक्री की जा रही है। कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ दुकानदारों ने हाथापाई तक कर दी। पुलिस ने सभी दुकानों को बंद कराकर आतिशबाजी का सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने 6 दुकानदारों को इस दौरान हिरासत में लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा से ये मामला सामने आया है, जब पुलिस प्रशासन की टीम को आतिशबाजी दुकानदारों ने मौके से दौड़ा दिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, जिसके बावजूद भी जनपद बुलंदशहर में दुकानदार आतिशबाजी को धड़ल्ले से खुलेआम बेच रहे हैं। इस पर पुलिस ने जब दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया तो आतिशबाजी बेच रहे दुकानदारों ने पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद गुस्साई पुलिस ने 6 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। जनपद बुलंदशहर में पुलिस हिरासत से अपने पिता को मासूम बच्ची द्वारा छुड़ाने का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और हैंड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस के अमान भी चेहरे की खूब सोशल मीडिया पर मजम्मत की गई है। अपनी गलती सुधारते हुए मासूम बच्ची के परिवार को मिठाई देने पहुंचे सीओ और एसडीएम, वही स्थानीय पुलिस भी इस दौरान उनके साथ रही। आज खुर्जा के मुंडाखेड़ा गांव में अवैध रूप से आतिशबाजी की सामग्री बेचते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद एक मासूम बेटी ने अपने पिता को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने के लिए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और यह प्रयास उस बेटी का सफल भी रहा। पुलिस ने हिरासत में लिए दुकानदार को छोड़ दिया। हालांकि इस मामले में एसएसपी को संज्ञान लेना पड़ा, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और इस मामले में एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये मामला भी बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के मूलाखेड़ा गांव से सामने आया है। बच्ची डिंपल अग्रवाल ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए रोते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। डिंपी अग्रवाल। डिंपी जी, खुश हो आप? हाँ। कौन कौन आया घर पे दीपावली मनाने? एसडीएम मैडम आई है। हाँ? और सीओ पुलिस वाले अंकल आए हैं। अच्छा? और इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा। पापा आ गए घर पे? हाँ। आपने बेटा, आपने पुलिस ने कुछ कहा था? नहीं, मेरे संज्ञान में आया कि ऐसा एक प्रकरण हो गया है आज शाम को, कि वहाँ पे संज्ञान में आया था कि कुछ आतिशबाजी की लोगों ने अपनी एक टेम्प्रेरी दुकान खोल के आतिशबाजी बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर क्योंकि अभी एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं, आदेश आए हैं, और सीपीसीबी का भी आदेश आया है कि इस साल दिल्ली एनसीआर एरिया में आतिशबाजी बैन रहेगी, तो आतिशबाजी बेचना इस साल बैन था। इसी के लिए उस पर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की गई थी पुलिस के द्वारा। लेकिन एक जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इस बच्ची को दिखाया गया कि ये बच्ची अपने पिताजी, क्योंकि इनके पिताजी द्वारा आतिशबाजी बेची जा रही थी, तो ये बच्ची जब उनको पकड़ा गया तो ये बच्ची बहुत रो रही थी। एक बचपना कह लीजिए या फिर एक पिता और बच्ची का एक साथ है, जिसकी वजह से ये था। तो क्योंकि बहुत ही हृदयात्मक चीज़ थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था, तो हमें भी ये लगा कि हमें कम से कम आज के दिन कोई उदास नहीं रहना चाहिए। स्पेशली जैसा अभी आपको सीओ साहब ने भी बताया कि किसी बच्चे के अंदर ये कोई नकारात्मक भाव प्रशासन और पुलिस के लिए ना रहे कि ऐसा उनके साथ कुछ गलत हुआ। इसी के लिए हमने सोचा कि आज हम लोग, क्योंकि गश्त में निकले ही हुए थे सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो क्यों ना आज बच्ची के साथ दिवाली मनाई जाए। देखिए, आज खुर्जा नगर क्षेत्र में मुंडाखेड़ा रोड पर एक शिकायत मिली थी कि कुछ लोग आतिशबाजी बेच रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ पुलिस पहुँची थी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, पटाखों को जब्त किया था उनके, और जो आवश्यक कार्रवाई थी नियमानुसार करने की, उस कार्रवाई को किया गया था आज शाम के समय। लेकिन एक वीडियो क्लिप हमने देखी, जिसमें पुलिस की गाड़ी में उसके पिता बैठे हैं जो आतिशबाजी की दुकान चला रहे थे। पुलिस उनको लेकर जा रही है और बच्ची दुखी होकर गाड़ी का दरवाज़ा पीट रही है। ऐसी स्थिति में हालांकि विधि के अनुकूल पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी और बच्चे की जो स्थिति थी उसके दृष्टिगत पुलिस से थोड़ा संवेदनशील और मानवीय व्यवहार अपेक्षित था, जो कि उस समय नहीं दिखाई दिया उस क्लिप में। इस पर हमें भी कष्ट हुआ, उच्च अधिकारियों भी नाराजगी प्रकट की, और एसएसपी साहब ने जो मुख्य आरक्षी हैं उस क्षेत्र के, जो उस समय मौजूद थे क्लिप में दिखाई दे रहे हैं, इस कृत्य के लिए उनको लाइन हाजिर भी कर दिया।